भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद में खेले गए पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने सभी को हैरान करते हुए भारतीय टीम को 4 रनों से शिकस्त दी और पहला T20 मुकाबला अपने नाम किया। साथ ही साथ 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर सके। सिवाय तिलक वर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए 150 रनों के लक्ष्य को चेस करने में योगदान दे ही नहीं पाया। टीम इंडिया इस मुकाबले में अपना 200वां मैच खेल रही थी। साल 2006 से लेकर साल 2023 तक टीम इंडिया ने कुल 200 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं, लेकिन अब इसी के साथ टीम इंडिया के नाम एक खराब रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। दरअसल T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम अपना 200वां मैच खेल रही है और ऐसा करने वाली भारतीय टीम दूसरी टीम बनी है। उनसे पहले पाकिस्तान ऐसा पहला देश था जो इंग्लैंड के खिलाफ साल 2022 में अपना 200वां मुकाबला खेल चुका है। उस मुकाबले में इंग्लैंड को पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेट से शिकस्त दी थी। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे बाबर और रिजवान ने 203 रनों की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप की और पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दर्ज करा दी। अब इस ऐतिहासिक मुकाबले में टीम इंडिया ऐसी विश्व की पहली टीम बन गई है जिसने 200वें मुकाबले में हार का सामना किया है। उनके अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो अपने 200वें T20 अंतर्राष्ट्रीय में हार गई हो। हालांकि दो ही टीमों ने 200 मैच खेले हैं जिसमें से एक को जीत मिली तो दूसरे को हार नसीब हुई, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है, चाहे फिर वो अच्छा हो या शर्मनाक। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप वन इंडिया को फॉलो करते रहें।